हूँ परसों ही दो कैबिनेट रैंक दिते वह भी बिच ही आ नहीं वो मामे के पुत लगते केजरीवाल के जेडे बेचारे दरिया बिछाते रह गए वह कितने गए दिल्ली च बी करोड़ देने की लड़ है MCD BJP को केंद्र सरकार BJP को म्यूनसीपैलिटी के भी थले है तो ये MLA तो 20 करोड़ खरीद के क्यों करूँगा अपने MLA बिकने का डर उन्हों सता रहा है जिन्हें आप सारा कुछ बेचने लाया है तुसी पंजाब ले लो पंजाब ते राज्यसभा सीटा के बिकिया नहीं शरम बेचिया केजरीवाल ने चेयरमैनिया शरम बेचिया केजरीवाल ने लवली यूनिवर्सिटी की पंचायत की जमीन तो पंचायत मंत्री क्यों नहीं जाता बई डांग चक के गरीबों की जमीन से पहुँच जाता है क्यों अगला कहना मैं तो पैसे दे खरीदी हुई राज्यसभा उइयों खरीदी है कि ना तो केजरीवाल वागू लंबे पेंदे जिम्मे मजिठे के मूहरे लंबा पै गया बूट चट चट उसे चमकाते थे मैं माफ़ कर दे और भगवंत मान प्रधानमंत्री साहब के एन लिटिया पैदा पूरा बिछ गया था पूरा मतलब लड़त है जे बंदे तो यार केजरीवाल ने एक फतवा जारी कराया है पंजाब सारे लीडर कैबिनेट मंत्रियों जेड़ा सब तो वध केजरीवाल गुंडा टैक्स इकट्ठा करके दिल्ली भेजूगा वह मेरा प्यारा पुत होगा आने LG ने चिट्ठी लिखती गल केजरीवाल को भी तेरी फाइलों मेरे को आनी है मैं पास नहीं करनी आप तेरे फाइन होने चाहिए ने यह डर मारा फाइन नहीं करता क्यों क्योंकि ठगिया मारिया हुई ने अगे ठगिया मार रही ने भी कल कोई फस गया अफसर फसूगा मैं क्यों फसा बाली साहब जिस तरह विसल बलोर के परचे हो रहे थोड़ा नंबर भी आ सकता तैयार हो मैं तो थापी मार के तैयार है अज RTI रिप्लाई आया भी आके डॉक्यूमेंट ले जाओ तो रब सुख रखे ठीक ही होवे कि अरविंद केजरीवाल ने परचा करा लिया अपना जी सत श्रीकाल जी पंजाबी पैरिस TV देखते दोस्तों का स्वागत है दोस्तों भारत की राजनीति दे विच रोज़ नवे तो नव विशा चर्चा का विशा बनता जा रहा अज का बयान है कि 20 करोड़ के विच MLA खरीदे जा रहे हैं संसद खरीदे जा रहे हैं केजरीवाल का बयान है कि भाजपा खरीद रही है ये पहला तो हुंदा है जिदा महाराष्ट्र की एक वड्डी उदाहरण उत्थों की सरकार नूं तोड़ के भाजपा ने अपनी जिहड़ी सरकार बनाई है इस तो बिना होर स्टेटां दे विच भी ये खरीदो फरोख्त चल रही है हुण केजरीवाल की सरकार है जिहड़ी उन्हूं इस खरीदो फरोख्त का डर जिहड़ा पिया होया और उहदे खिलाफ केजरीवाल साहब बयान भी दे रहे हैं और सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर ये 800 करोड़ रुपया आया कितों भाजपा के कोल 800 करोड़ आया कितों जिथे केजरीवाल भाजपा के निशाने साध रहे हैं उत्थे नाल दी नाल आम आदमी पार्टी के जिहड़े लीडर ने वह भी सवालों के घेरे च ने पायल हल्के मनविंदर सिंह ग्यासपुरा के उत्ते एक आइलैंड सेंटर वाली लड़की उन्होंने दोष लाया कि गुंडा टैक्स वसूलिया जा रहा उन्होंने वालों कहा जा रहा कि साडू पार्टी फंड दो नहीं असी तुहाडे ते परचे दर्ज करांगे जदों कुड़ी पार्टी फंड देण तों मना करदी है तां उहदे परचा दर्ज हो जांदा और इस तों बिना भी होर बहुत सारे जिहड़े केस आ ओह लगातार चर्चा का विशा बने हुए ने आपां गल करांगे साडे नाल ने उगे जिहड़े वकील ने सियासत माहर ने सतवीर सिंह वालिया जी सत श्री अकाल जी वाली सत श्री अकाल भाई तुहानूं ते तुहाडे फरोतियां नूं वाली साहब चर्चा का विशा बनया होया 800 करोड़ रुपया की लगता खरीदो फरोख्त होने के पिछे कारण की है हो रही है ज सिर्फ चर्चा ही है देखो ये तो सारी दुनिया जानती है कि जिहड़ी भी सेंटर सरकार रही है चाहे कांग्रेस है चाहे हुण BJP है तो उन्होंने समय समय से फिर सरकार दूजिया तोड़िया ने चाहे वह पैसे के दम से ले लो चाहे वह ED या फिर CBI के दम से ले लो वो तो अक्सर जिहड़ियां पोलीटिकल पार्टियां करदी रहिंदियां जो अज BJP की सत्ता हैगी है तो वह भी कर रही है और दब के कर रही है बेशर्म होकर कर रही है डेमोक्रेसी का घाण जिहड़ी है वह लगी हुई करन ते डिक्टेटरशिप रूल नूं अगे वधाउण की कोशिश कर रही है हुण आ गई गल केजरीवाल दे खरीदण दी एक पासे तो केजरीवाल कहता कि मेरे बंदे सारे अन्ने कि ईमानदार उन्होंने कोई खरीद नहीं सकता तो अज कहता उन्होंने 20 करोड़ रुपया खरीदने की ऑफर है पिछले कल मैं देख रहा था कहते 40 MLA मिसिंग है जी शायद मेरे 40 MLA गायब करते BJP ने नित नवे ड्रामे सब तो वड्डी गल तो यह है कि अपने MLA बिकने का डर उन्हों सता रहा है जिन्हें आप सारा कुछ बेचने लाया होया तुसी पंजाब ले लो पंजाब राज्यसभा सीटा के बिकिया नहीं शरम बेचिया केजरीवाल ने चेयरमैनिया शरम बेचिया केजरीवाल ने आ हूँ परसों ही दो कैबिनेट रैंक दिते वह भी बिच ही आ नहीं वह मामे के पुत लगते थे केजरीवाल के जेडे बेचारे दरिया बिछाते रह गए वह कितने गए उन्होंने किसी कोई चेयरमैन नहीं कोई कुछ नहीं है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ बड़े बड़े घराने जिन्हों को चार पैसे है केजरीवाल उन्होंने दे रहे हैं पंजाब की खुली बोली लाई हुई है कोई माइनिंग माफिया हो गया चाहे शराब माफिया तो खैर दिल्ली में लिया बकायदा तो आ हूँ महला क्लीन लैबोरटरियां जिहड़ियां हो गई लैबोरटरी महाराष्ट्र की है पंजाब सरकार के जिहड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उन्होंने लैबोरटरी का जिहड़ा रेट पैंदा वो तो डबल रेट पर महाराष्ट्र लैबोरटरी वो अलग गल है
कि महला क्लीनिक रोज़ डॉक्टर छड़ जा रहे, अज भी कहते उधों के वाले का बड़ा उद्यम बधाया, उत्थे भी डॉक्टर छड़ गए, डॉक्टर छड़ गए, स्टाफ छड़ गया, तो वह छड़ जा रहे महला क्लीनिक तो हुण लबोरटरी की करूगी पता नहीं है, पर पैसा केजरीवाल नूं जा रहा। तो हुण जिन्हें आप ही सब कुछ बेचण नूं लातिया तो फिर उन्हों अपने चीज अपनी चीज़ा बिकने का डर क्यों? मानी साहब तुम लंबा समा आम आदमी पार्टी जुड़े रहे हो, अज जिहड़ा आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हो, कितने कोई इंटरनल कंट्राडिक्शन की वजह करके तो नहीं दोष ला रहे? देखो मैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा दिल्ली लीडरशिप के खिलाफ। क्यों? क्योंकि दिल्ली हमेशा पंजाब के खिलाफ रही है, हमेशा पंजाब नूं लुटती रही है। जिहड़ा एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल ने सैट भी कर दिया, तुम जाके देखो ना हर एक चीज़ ट्रांसफर पोस्टिंग हर चीज़ दिल्ली हो रही ने, हर चीज़ फेल पर है। घट्टो घट पहला यह सबूत है थोड़े को, सबूत है कोई भी कि बेच रहे हैं यदा की सबूत है? नहीं चलो तुम मैं दस दो कि जो राजसभा मैंबर लाए ने उन्हों जो कि एक ऐसा मैंबर हैगा कि जिन्हें एक बार भी आम आदमी पार्टी वास्ते हाँ का नारा मारिया हो, फिर बकाऊ हो गया ना। जिहड़े दो वाइस चेयरमैन लाए थे इंडस्ट्रियलिस्ट उन्होंने एक बार भी हाँ का मारा नारा मारिया हो, पैसा उन्होंने को ट्राइडेंट ग्रुप वाला, हूँ दो कैबिनेट देतियाँ कैबिनेट रैंक देते परसों ही ट्राइडेंट वाले नूं, ते एक एक होर मेरा हीरो साइकिल वाले शायद पता नहीं किहड़े ने मैं नाम भुल रहा, उन्होंने उन्होंने दसो आम आदमी पार्टी वास्ते किहड़ा हाँ का नारा मारिया? हाँ जे पैसा दिता तां ही लगे है ना, लवली यूनिवर्सिटी दे लवली यूनिवर्सिटी राजसभा मैंबर आई गए ना, हुण लवली यूनिवर्सिटी की पंचायत की जमीन तो पंचायत मंत्री क्यों नहीं जाता बई, डांग चक के गरीबों की जमीन से पहुँच जाता है क्यों? अगला कहना मैं तो पैसे दे खरीदी हुई राजसभा उइयों खरीदी है, ता ही खरीदी है कि मैं दब के जे कुछ करोड़ों दे के हज़ार करोड़ों की ठगी मारनी ता ही खरीदी है, मैं थोड़ी खरीद ली। वो सो जिहदा अपना ही जिन्हें आप ही सारा माल बेचण ते लाया होवे तां मैनूं लगदा उन्हें खरीदण उन्हें अपना माल होर बिकण का क्योंकि वह भी कोई ना कोई खरीदूगा ही ना, तो वह फिर डर क्यों है? वह पहला सोचता ना अपना 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 माल बेचण तो पहला सोचता कि कोई होर भी आके मेरा खरीदूगा। मानी साहब ट्वीट पर तो एक सिमा का जिक्र आया जिम्मे ये ही जुड़िया हुआ मसला कि सिमा जाली खरीदिया गई, उन्होंने जाली सिमा के उत्तों जोड़ा लोगों दी होर पार्टियां है उन्होंने उम्मीदवार खरीदने का भड़काने की कोशिश की गई, वह की मसला? देखो एक कत्याल की वीडियो आई सी जो फैक्ट्री रहा आम आदमी पार्टी 2014 सी, मैंने कितों लभ गई, मैं तो अपने ट्वीट करती ट्वीट की तो फिर वो सारे वायरल हो गई, वो तो इस लैवल से वायरल हुई कि वह आज तक वाले वे घर पहुँच के उन्हें फ्रैश फिर उही गल कही। योगिंदर यादव ने भी यह गल एडमिट की कि उस टाइम कत्याल ने मैं कहा कि पार्टी हो ही रहा है भी साढ़े तो ही फोन कराए गए, तो उस बाद आप केजरीवाल कहना मेरे विधायक खरीदने की सी, तो वो चीज़ साडा लोगों दसना फर्ज सगा भी यह झूठ बोलता है कि कलू अपने किसी करिंदे फोन कराऊगा और वो रिकॉर्डिंग दिखा के कहूगा जी फलानी पार्टी मेरे विधायक को 20 करोड़ की, यार 20 करोड़ के क्यों कि खरीदूगा यह जहाँ की है उन्होंने जोड़ा उन्होंने 20 करोड़ खरीद लूगा? देखो सरकार बन दे सर नहीं जो सरकार बन दी तो 20 करोड़ खरीद ला सकते हो, मेरी एक गल जवाब दो क्या दिल्ली इंडिपेंडेंट सरकार है? हूँ एल जी ने चिट्ठी लिखती गल केजरीवाल को भी तेरी फाइल मेरे को आनी है मैं पास नहीं करनी आप तेरे फाइन होने चाहिए ने, यह डर मारा फाइन नहीं करता क्यों? क्योंकि ठगिया मारिया हुई ने अगे ठगिया मार रही ने भी कलू कोई फस गया अफसर फसूगा मैं क्यों फसा, उन्हें साफ लिख दिया भी लिखिया आंदा है कि सीएम ने फाइल चैक कर ली तुम्हें अगे कर दो, यार हर चीज़ तो उसे एल जी पुछ के करनी पैंती है तो वह 20 करोड़ दूगा। हाँ जे वो कहें जी पंजाब मेरी सरकार तोड़न वास्ते MLA 20 करोड़ दें मैं मन जाता मैं एडमिट कर जाता भी हाँ ठीक है पंजाब क्योंकि फुल फ्लैज स्टेट हैगी है अरबा रुपए का कारोबार और माइनिंग से लेकर शराब से लेकर ड्रग्स से लेकर हर तरह का कारोबार है भी चलो कोई कोई भी पोलीटल पार्टी है BJP ला लो अपना घाटा पूरा कर लूगी और मैं तो 30 करोड़ भी देने की गल करें मन जमा दिल्ली 20 करोड़ देने की की लड़ है MCD BJP को केंद्र सरकार BJP को म्यूनसीपैलिटी के भी थले है तो ये MLA 20 करोड़ खरीद के क्यों करूँगा? मोरओवर 4-5 तो MLA वैसे शराब के शराब माफिया मले मिले हुए उन्होंने अपने शराबों ने शराब के ठेके ने तो भजे भजे BJP बढ़ने फ्री च बढ़ने कि भाई सानू ना रगड़ दो कि साडा कारोबार ही बंद कर दो तो उन्होंने फिर उन्होंने भी 20 करोड़ देने की लड़ है झूठ बोल पैदा होंगे ना केजरीवाल इदा क्यों कर रहे हो उन्होंने ये बयान क्यों दिते जे तुम कह रहे हो भी उन्होंने 20 करोड़ से खरीदने की कोई लड़ नहीं उन्होंने अंडर कुछ नहीं आता तो फिर क्यों बयान क्यों दे रहे हैं? देखो केजरीवाल मुद्दे को भटका रहा है केजरीवाल की जी करोड़ों रुपये की मारी हुई लीकर माफिया की ठगी 2% कमीशन लंदे लंदे 12% से पहुँच गया वो पिछला 10% कमीशन दसे ना केजरीवाल कितने है उस पंजाब इलेक्शन लड़िया गया उही पॉलिसी पंजाब चला के हुण उस तो हिमाचल गुजरात लड़िया जाऊगा
144 करोड़ की ठगी केजरीवाल ने मारी है। वो मुद्दे को भटकाने वास्ते लोगों केजरीवाल एक करप्ट इंसान है, एक करप्ट चीफ मिनिस्टर है, एक करप्ट इंसान है, वो चीज़ में लुकाने वास्ते दुए ड्रामे शुरू करते ताकि उन्हें कवरअप कराया जा सके। पर लोग भुल देने, हर एक बंदा यही सवाल पूछता है कि शराब माफिया का सच दस। ये तो उही गल होगी ना, चोर मचाए शोर, नाले तो मैं चोरी कर गया, नाले मैं रौल पा लग गया, चोरी होगी चोरी होगी चोरी होगी, वह काम थोड़ी होंदा हुंदा। एक अमृतसर दे विच भी सिम्मां दी खरीदो फोकत दी गल तुसीं एक बार जिक्र कीता सी, वह की मसला है? देखो 2017 की गल है, सेम यही स्टाइल दे नाल इन्हां ने दुर्गेश पाठक की टीम लीड कर रही थी। वह कोई दुर्गेश पाठक देख रहा सी, अनुज बाटी सीगा एक दुर्गेश पाठक का गुरगा, तो नाल ही कमलोह तो MLA इन्हां दा जिहड़ा अजकल हैगा, कि ना मैं तंग ले रहा क्योंकि छोटे छोटे मोटे जिहड़े कबूतर घटारा जे तो बाद च खिलारांगे, पहला बड़े वाले का कर लिए कम जा, तो वह भी इनवॉल्व सी उस टीम दे विच। तो इन्हां ने 2022 के करीब सिम खरीदे एयरटैल दे, 22 के करीब सिम खरीदे झूठे ID बना के, वो खरीदे, खरीदने तो बाद इन्होंने कॉलिंग करनी शुरू करी डाटा सी इन्हां कोल, सानू भी किया सी मना, मैं तो रिफ्यूज कर गया, मैं कहा सॉरी मैं नहीं कर सकता, मेरे को इवन कि 2 फोन सके, एक मेरा अपना फोन एक पार्टी का फोन सगा, तो मैं दोनों से रिफ्यूज कर गया, मैं कहा मैं ऑपरेट कर रहा, कल कोई निकी गल हो गई मैं नहीं फसना है। इन्होंने वो सिम लीते, उत्थों 8-9 बंद टीम बिठाई, अकाली लीडर का नाम लेके अकालिया फोन किया, जिते उन्होंने गढ़ सगा कि जी असी वीक हैं कांग्रेस में वोट पा दो, कांग्रेस लीडर के कांग्रसियों को फोन करवाए, जिते कांग्रसी उन्होंने गढ़ सगा भी असी वीक हैं जी अकाली वोट पा दो ताकि वोट वंडी जाए और सरकार बन जाए। कॉलबैक्स भी आईया, जब कॉलबैक आई फिर इन्होंने हत्था पैर भी सिम तोड़ने शुरू करते, इन्होंने लुकाने शुरू करते, तो मेरे सामने होया, मैं खुद विटनेस इस चीज़ का। सो ये फ्रॉड तो करते रहे हैं, तो इस करके हूँ ये उ मैं कह रहा भी जोड़ा ये MLA वाली गल भी हैगी, कत्याल ने ऑलरेडी खुलासा कराया हुआ, यदा योगिंदर यादव ने भी उस स्टैंप ला दी, कत्याल ने मेरे नाल गल की सी, होर की चाहिए, तो यदा मतलब यही है कि भी सिर्फ ड्रामा है, सिर्फ प्रोपोगंडा है, ताकि अपनी अपनी वो लिकर पॉलिसी वड्डी ठगी जी है वो ठगी तो बचा जा सके। एक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा का मसला जो चर्चा चा, कि किसी आईलेट सेंटर वाली लड़की तो उन्हें फरौती मंगी है, गुंडा टैक्स मंगया है, कहा जा रहा की सचा? देखो वो जो वीडियो वायरल हो रही ने, संतोष कुमारी है साड़ी छोटी भैन का ना, तो बड़ी कहने ईमानदारी अपना आईलेट सेंटर चला रही थी, तो कुछ डिस्प्यूट होया, जब मैं जिन्नी मैं गल सुनी तो वह डिस्प्यूट रिजॉल्व भी हो गया, वो कहें असी 25 भी नहीं लिती, हूँ मैं थोड़े तक 25 भी नहीं दिता लिती हो यार, क्या भी जब थोड़ा काम हो जाएगा तो पैसे लूँगा जी, फिर कहदा मसला होया? रौला सीगा कि केजरीवाल ने एक फतवा जारी कराया है पंजाब सारे लीडरों कैबिनेट मंत्रियों, जेड़ा सब तो वध केजरीवाल गुंडा टैक्स इकट्ठा करके दिल्ली भेजूगा वो मेरा प्यारा पुत होगा। गुजरात हिमाचल के 800 करोड़ पुछते ना BJP को कितों आया, मैं तो पूछता भी केजरीवाल ने पैसे का की करूँगा, जिहड़ा चेयरमैन ने बेच रहा, बाकी होर अदारे भी बेच रहा, पोस्टिंग ट्रांसफर के पैसे भी ले रहा है, तो हूँ गुंडा टैक्स, केजरीवाल गुंडा टैक्स भी लाता, वो केजरीवाल गुंडा टैक्स की उगाही करने वास्ते ग्यासपुरा ने वो बेचारी जी ईमानदारी ने अपना काम कर रही थी उन्होंने कहा गुंडा टैक्स देंगी तो तेरी दुकान चलूगी नहीं बंद कर दूंगा, उन्हें मना करता तो इन्हें जाके उत्थे जिंदा लाता। पर मैं उस दलेर भैन की जिन्हों सल्यूट करना है जिन्हें डट के खड़ी मैदान चार लड़ रही है, तो असं भी वो खड़े हैं क्योंकि उन्हें यह दिखाता कि केजरीवाल के गोले जड़े ने पंजाबी उन्होंने तो दबते नहीं है। चाहिए यह सगा कि ग्यासपुरा के खिलाफ जो भगवंत मान कहता ना किसी को पता नहीं, किसी को खबर नहीं सी, मैनू पता सगा, मैं चक्के डॉक्टर विजय सिंह अंदर देता, वो जोड़े सड़कों के खुलेआम गुंडा टैक्स वसूल करते फिर रहे हैं सी, उन्होंने खिलाफ जोड़े जोड़े वो विफल बलोअर ने जोड़े उन्हें गल दस रहे ने लोगों भी उरे केजरीवाल गुंडा टैक्स लग चुकया है, जिमें जजिया लग्या हुंदा सी ना पहला राजे महाराजा टाइम से, हूँ केजरीवाल गुंडा टैक्स पंजाब लग चुकया है, तो उन्होंने खिलाफ भी परचे दर्ज कर रहे हो। यही केजरीवाल ना परिवर्तन लहर वाला जिहड़ा कि RTI के खुलासे भी करता सीगा, तो लोगों को कहता सीगा अपना विफल बलोअर बनया होया, तो अज पंजाब की फर्क रह गया BJP तो आम आदमी पार्टी, अज एक विफल बलोअर से परचे दर्ज होने शुरू हो गए, कल अभी RTI एक्ट भी साढ़े से परचे दर्ज हो गए, पर अभी डरन डुरन वाले नहीं है फिर, ना तो केजरीवाल वागू लंबे पेंदे जिमें मजिठे के मूहरे लंबा पै गया सीगा, बूट चट चट उसे चमकाते थे मैं माफ़ कर दे, और भगवंत मान प्रधानमंत्री साहब के एन लिटिया पैदा पूरा बिछ गया था पूरा, मतलब लानत है यह बंदे तो यार, जिहड़ा किसानों ने उत्थे उस टाइम प्रोटेस्ट सीगा सिर्फ फ्लॉप हुंदी रैली नूं लुकाउण वास्ते एक बहाना ला के प्रधानमंत्री साहब मुड़ गए एक
पंजाब ते दाग ला के कि मैं मरदा मरदा बचिया मेरी जान को खतरा सीगा एक दाग ला के गए एहजा लाणते मुख्यमंत्री उत्थे स्टेज ते खड़ा होके पंजाब दी इज्जत नू दाग ला के माफ़ी मंग रहा है कि भाई साढ़े ते गलती होगी। मतलब वो 3 करोड़ पंजाबियों का अपमान जिहड़ा इस लाणते मुख्यमंत्री ने किया है। क्यों? क्योंकि यह गोला बन चुका केजरीवाल का, एक केजरीवाल वर्ग ही बन चुके हूँ। पंजाबी नहीं रहा यह, उ यूपी के दिल्ली वाला बन चुका है, ये इस पंजाबियों का दम नहीं रहा। यह बाली साहब जी तुहाड़ी गलबात नूं सुणीए, भगत सिंह की पग बन के सरकार बनाई है, भगत सिंह का नाँ लैके सरकार बनाई है, इनकलाब की गल करके सरकार बनाई है, पर अज गल अंग्रेजों वाली ने की भविख लगता आम आदमी पार्टी का? भाई जी मैं तो कहूँगा भगत सिंह बेच के सरकार बनाई है, भगत सिंह बदनाम करके सरकार बनाई है। जिमें बीजेपी करती है ना भारत माता की जय का नारा जोड़ा है, असी फकर ना लाते थे, अज भी लाने हैं, साढ़े फौजी अज भी बॉडर से लाने हैं, पर कि मन च डर हों कि सू कोई ऐ ना कह दे बीजेपी वाला। अज इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो बदनाम किया सब तो वह आम आदमी पार्टी ने किया है। अज कोई इनकलाब का जिंदाबाद का नारा लाने लगे डरता कि सू कोई इन्हों की भेड़ ना समझ दे, इन्हों का भगत ना समझ दे, या इन वर्गे केजरीवाल गुंडा टैक्स लेने वाले उगाही करने वाले ना समझ जे, अज वो डर पंजाबियों लगन लग गया। पर नहीं, इनकलाब जिंदाबाद रहूगा और जिंदाबाद है, भगत सिंह पंजाबियों का था, देश का था, रहूगा। यह जे फर्जी तो कई नबेड़े पंजाबियों ने। बाली साहब जिस तरह विसल बलोरों के परचे हो रहे, तुहाडा नंबर भी आ सकता, तैयार हो? मैं तो थापी मार के तैयार हाँ, अज आर टी आई की रिप्लाई आया है भी आके डॉक्यूमेंट ले जाओ, तो रब सुख रखे ठीक ही होवे, कहते अरविंद केजरीवाल ना परचा करा लवे अपने से। धन्यवाद जी। इस वाली साहब जिन्होंने बड़े विस्तार के पंजाब की राजनीति, हिंदुस्तान की राजनीति के उत्ते चर्चा की है।